अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफस्टाइल ब्लॉग। मैं हूँ आयशा अमर। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी अपने समर्स के ड्रेसेस जो मैंने स्टिच करवाए हैं इस सीज़न में। मैं ज़्यादा समर्स में ड्रेसेस नहीं बनाती क्योंकि आपको पता ही है कि सिर्फ 2 माह ही तो सर्दियाँ रहती हैं, उसके बाद पूरा साल गर्मियाँ ही रहती हैं, इसलिए सर्दियों के कपड़े ज़्यादा बनाने का फ़ायदा नहीं होता। सो अभी मेरा फर्स्ट ड्रेस सिल के आ गया है। उसके अलावा मैंने पहले भी 2 सिलवा ली हैं, लेकिन वो थे जैसे वो होते हैं सिल्क टाइप के ड्रेसेस थे, वो मैं इनमें काउंट नहीं कर रही। चले अभी मैं फर्स्ट ड्रेस ये सिल्क आया है, ये देखिए इसका दुपट्टा है कितना प्यारा फ्लोरल, अब कलरफुल से इसके फ्लावर्स हैं। ये इसका दुपट्टा है, ठीक है। ये इसकी शर्ट है और इसके अंदर ही इसका ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र बिल्कुल प्लेन है, ठीक है। उसके अलावा ये शर्ट है, इसकी लुक है, ठीक है। मैंने अपने सोफे पर इसका डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल का नाम है देसी लाइफस्टाइल ब्लॉग, तो इसलिए देसी स्टाइल में आपको हर चीज़ मिलेगी, कोई भी इतनी ज़्यादा प्रिटेंड की हुई चीज़ नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इसके बाजू हैं, ये बेल बॉटम रखवाए हैं, बाजू के आगे मैंने ये काली लेस लगवाई है, ठीक है। इस सूट पे मैंने इतना ख़र्चा नहीं किया, ये मैंने घर से ही लेस लगाल कर थोड़ा गुजारा कर लिया। तो मैंने ये लेस घर पर पड़ी हुई थी ब्लैक कलर की, ये इसके बाजू पर लगा दी, ठीक है। गला इसका ऐसे है, गोल है, इसमें ये बटन मेरी जो कपड़े सीती हैं मेरी फ्रेंड, उन्होंने बहुत अच्छा सिया है। उन्होंने ये इसके बटन खुद से बनाकर ना, खुद से बनाकर ये बटन उन्होंने लगाए, बाजार के बटन नहीं है, ठीक है। ये कमीज़ की फुल लुक है और इसके घेरे पे इस तरह की ये मेहरून लेस लगी हुई है, ठीक है। और इस पर मगजी नहीं लगवाई मैंने, ठीक है। और ये उन्होंने जो पजामे का पीस था वही अंदर इसके ये पट्टी बनाकर लगा दी, जिससे नीटनेस भी आ गई है और मगजी की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। बड़ा अच्छा उन्होंने स्टिच किया है। इसकी बैक पे भी उन्होंने ऐसे बड़ा ड्रेस का ही कपड़ा लगा के ना, ये इस तरह से कि लेस भी इतनी नीट लग रही है, इतना प्यारा लग रहा है, अंदर से लेस का कोई भी इसमें नज़र नहीं आ रहा कि लेस का कैसे लगी हुई है, कहाँ से लगी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये ड्रेस की डिटेल दी है कि ये सफ़ायर का 3-पीस ड्रेस है, ठीक है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा मुझे बहुत प्यारा लगा था, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने ये ड्रेस लिया, ठीक है। इस ड्रेस पे मैंने इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की, दुपट्टा भी सिंपल ही है, इसकी मैंने सिंपल पिको करवाई है, ठीक है। कोई इस पे मैंने नहीं लेस वगैरह लगवाई, ठीक है। कुछ ड्रेसेस होने चाहिए वो सिंपल और एलिगेंट होने चाहिए, जो आप किसी मौके पर समटाइम नहीं फैंसी ड्रेस अच्छे लगते, तो सिंपल ड्रेस अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये सिंपल ही रखा है, ठीक है। जो बैकग्राउंड का म्यूज़िक है, बैकग्राउंड का म्यूज़िक मीन्स के शोर है, उसको इग्नोर करें। ये है जी ड्रेस की लुक, कि इसी तरह ही मैं वेयर करूँगी, ठीक है। वेयर करने के बाद की वीडियो शायद ना आ पाए, टाइम ना मिले, तो मैं इसलिए इसी तरह आपको दिखा रही हूँ। अभी मेरा ये फर्स्ट ड्रेस आया है, इसके बाद अभी जितने भी ड्रेसेस आएंगे उनकी वीडियोज़ बना के मैं फिर इकट्ठी पूरे वीडियो को मैं अपलोड करूँगी, फिर आप लोग देखना। आपको कोई अच्छा लगता डिज़ाइन आप भी उसको पिक करके बना सकते हो, ठीक है। आपको कोई ड्रेस पसंद आता तो आप भी जाके बाय ले सकते हो, कर सकते हो। ये ड्रेस जो है ये सफ़ायर का है, अगर आपको पसंद आता है तो आप भी जाके ले सकते हैं। जो कलर्स असल में कैमरे रियल में होते हैं, वो कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता, असल में कलर्स बहुत प्यारे होते हैं, कैमरे में वो चीज़ नहीं आ पाती, ठीक है जी। जी तो ये नेक्स्ट डिज़ाइन है, ये मैंने फ्रॉक से लाया है, ये डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, फ्लोरल सा प्यारा सा क्यूट सा, तो इसके मैंने फ्रॉक से लगाई है। गले पे ये बटन लगवाए हैं पर्ल्स वाले, ठीक है। और इसके मैंने बलून बाजू रखवाए हैं और बड़ा प्यारा स्टिच किया है, मेरी फ्रेंड है वो कपड़े से स्टिच करती हैं, उन्होंने स्टिच किया। बाजू के आगे ये लेस लगाई है, ठीक है, बाजू ऐसे लॉन्ग रखे हैं, ऐसे सीधे होंगे, ठीक है। और ये इसके बलून बाजू रखवाए हैं और ये लॉन्ग फ्रॉक है, पाँव देखे नीचे तक लटक रही है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह ये बहुत लॉन्ग है, ठीक है, ये मेरे बिल्कुल पाँव तक आती है, लॉन्ग फ्रॉक सिलवाई है मैंने। इसमें ऐसे ये 3 लेयर्स हैं, कि ये इसकी चुन्नट पड़ेगी, एक ये इसकी लेयर आएगी नीचे, ठीक है ना। ऐसे ये लॉन्ग फ्रॉक है, आपकी चॉइस, आप इसको आप लोग भी ऐसा बनवा सकते हैं, शोर बनवा सकते हैं, लॉन्ग बनवा सकते हैं, ये बहुत प्यारा लगता है ये फ्रॉक। ये मैंने इस तरह का शिफॉन में भी एक सिलवाया था, तो मेरे पे बहुत सूट किया, इसलिए मैंने सोचा मैं कि मैं लिलन में भी एक इस तरह का सिलवा लूँ, तो मैंने ये सिलवाया है, ठीक है ना। इसके साथ मैं शॉल कैरी करूँगी, ठीक है, मेरे पास बेबी पिंक कलर की शॉल है, उसके साथ मैं इसको कैरी करूँगी।
आपकी चॉइस है, आप इसको बगैर मतलब किसी स्कार्फ या दुपट्टे के बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कोई भी ड्रेस है वो किसी न किसी स्कार्फ, स्टॉल या दुपट्टे के साथ ही वेयर करती हूँ, उसके अलावा मैं वेयर नहीं करती। तो ये फ्रॉक का स्टाइल ऐसा, बहुत सी लड़कियाँ इसको ऐसे ही वेयर कर लेती, बट मैं साथ स्टॉलर या थोड़ा सा छोटा सा स्कार्फ ज़रूर लेती हूँ, ठीक है ना। मैं दिखाती हूँ भी आपको मैं इसके साथ कौन सी शॉल वेयर करने वाली हूँ। जी तो ये इसके साथ शॉल है, इसके साथ ही मैंने इसका पेयर बनाया हुआ, बहुत प्यारी है, बहुत सॉफ्ट है, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, सो मैंने सोचा कि इसके इस ड्रेस के साथ इसको वेयर किया जाए। जी तो थर्ड वाला ये ड्रेस है, बहुत प्यारा, ये ब्राउन कलर है, इसके ऊपर फ्लोरल से वाइट कलर के फ्लावर बने हुए हैं, मुझे बहुत प्यारा लगा था ये प्रिंट। इसके साथ ये स्ट्रेट पजामा है, ऐसे मैंने रखवाया, इसको मैं पहले दिखा दूँ, बिल्कुल स्ट्रेट ट्राउज़र है इसके साथ बनाया, इसको साइड पे करते हैं। जी तो ये है, इसका बैंड गला है, यहाँ पे बटन है, और ये ओपन स्टाइल में बनवाया है, मगर ये ओपन नहीं है, ये स्टिच है, यहाँ से स्टिच हुआ हुआ है मगर ओपन स्टाइल में बनाया है, और ये थोड़ा सा शॉर्ट रखवाया है मैंने। आ जाए आप, मेरा छोटा मुन्ना भी आ गया, शाबाश, आ जाओ। इसके बाजू ऐसे रखवाए हैं लॉन्ग, साथ ऐसे यहाँ पे चुनते, और ये बेल्ट और ये बटन लगा हुआ है, बहुत प्यारे लगते हैं इस तरह के बाजू, ठीक है। ये है इस तरह, ये बंद स्टाइल बंद है, इस तरह का ओपन नहीं है, मतलब साइड से इसके चौक नहीं बने हुए, ये ऐसे बना हुआ है कि बीच में इसका ओपन स्टाइल है, लेकिन ये ओपन नहीं है, यहाँ तक इसकी स्टिचिंग हो के ना, यहाँ तक, और यहाँ से ये ओपन है इतना, ठीक है। साइड से ये क्लोज है, ये मतलब ए लाइन शेप में आ रहा है, मैंने बनवाया ये, ठीक है। थोड़ा सा लूज़ रखवाया अपनी फिटिंग से, इसको थोड़ा सा लूज़ रखवाया तो ये ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है। ड्रेस नंबर 4 हो गया, ये ड्रेस नंबर 3। जी तो ये है नेक्स्ट कुर्ता, जो कि ये इसका प्रिंट है ओवरऑल, और ये इसके दामन पे ये लेस लगी हुई है, ये वाली इस टाइप की, ठीक है, और यही लेस बाजू पे भी लगी हुई है, बाजू पे भी लगवाई है, ठीक है। आप सिंपल सी लेस आप कपड़ों पे लगा सकते हैं, जिससे वो कपड़े प्यारे लगते हैं, इतनी एक्सपेंसिव लेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स कि जो आपने घर में भी ऐसी लेसेस लगाएं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, आप घर में भी वो पहन सके कपड़े, तो आपको चुभे ना, ठीक है। हाँ जी बेटा, अच्छा, और यही बटन लगे हुए हैं इस पर, ठीक है। इसके सर ये खाली जस्ट कुर्ता है जेलबरी का, और इसके साथ आप वाइट स्किन पिंक, और इसमें जो भी कलर है उस कलर का आप ट्राउज़र पहन सकते हैं, साथ आप शॉल भी इसी कलर के ले सकते हैं। अभी जस्ट मैंने ये कुर्ता सिलवाया, अभी मैं इसके साथ देखूंगी कि मैं क्या पहनती हूँ। अच्छा बेटा जी, जो है ये लास्ट पे मैंने फ्लैश भी ऑन कर लिया था कि कलर्स समझ आ जाएँ आपको, लेकिन फिर भी समटाइम नहीं, वीडियो में जो कलर्स आते हैं, जो एक्चुअल में कलर्स होते हैं, वो वीडियो में नहीं आ पाते, ठीक है। ये मैंने इस पर टू टाइप की लेस लगाई है, एक ही गले पे ये लगाई, ये डिज़ाइन बनवाया है, ठीक है। आपको अगर कोई डिज़ाइन पसंद आता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप भी बना सकते हैं, ठीक है। गले पे ये लेस लगाई है, ये लेस बहुत कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिल जाती है, ठीक है, और ड्रेस की लुक भी निकल जाती है, ड्रेस अच्छा लगता है। ये वाली लेस यही इसके बाजू पर लगाई हुई है, ठीक है, स्ट्रेट इसके बाजू है, और ये स्ट्रेट ही कुर्ता है, ये थोड़ा सा मैंने शॉर्ट लेंथ में रखवाया है, ठीक है। इसके दामन पर ये वाली लेस लगाई है ऑरेंज कलर की, ठीक है, ये इसकी ओवरलोड लुक है, ठीक है। इसके साथ एक, अच्छा बेटा, ये इसका प्लेन ट्राउज़र है, ठीक है, ये प्लेन एक ही टाइप का सूट था, सो इसलिए फिर मैंने इसको शॉर्ट में रखवाया, शॉर्ट कुर्ता और शॉर्ट पजामा, मतलब साथ पजामा, शॉर्ट पजामा नहीं, पजामा नॉर्मली लेंथ का शॉर्ट कुर्ता, ठीक है। ये मैं, ये आप ये ऐसे कर सकते हैं कि पहले आप एक दफ़ा इनको बाहर पहन लें और बाद में आप इनको घर में ईजीली पहन सकते हैं। मैंने ये ज़्यादातर मोस्टली कपड़े घर पहनने के लिए बनवाए हैं, ठीक है। कि ये खद्दर का टू पीस है, ये है मेरे ख्याल से गुलामत का टू पीस है ये, और मैंने इसलिए भी सिंपल सॉफ्ट सा लिया था कि इजीली आप घर पे पहन सको, पहले एक दफ़ा बाहर पहन लो फिर घर पे पहन लो, ठीक है। ये मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो, उसके अलावा भी 2-3 सूट सिलवाए थे, वो मैंने पहले ही पहन लिए, वीडियो नहीं बना पाई मैं, ठीक है। ये मेरी विंटर्स की ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो थी, होप कि आपको पसंद आई हो। मेरे पास प्रॉपर इतनी जगह नहीं है कि मैं एक बना रख कर वीडियो प्रॉपर बना सकूं, क्योंकि पीछे बच्चे भी होते हैं, बच्चों का शोर होता है और वो बच्चे आ जाते हैं वीडियो में, तो फिर इसलिए बस जहाँ भी जगह मिले मैं रख कर वीडियो बना लेती हूँ, ठीक है। तो जिन जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और
वीडियो को अप्रिशिएट करें कि मुझे मोटिवेशन मिले कि नेक्स्ट टाइम मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है। अब ये वीडियो एंड करती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।